नेक्स्ट सर, रेप ऑफ लॉक हो गया हम लोगों के पास। अब जो है हम लोग यूनिट नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 द स्कूल फॉर स्कैंडल, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले। ये जो वीडियो है वो इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए है, जो कि बीवीयू और भी जो झारखंड के को जो कि या कहीं पे भी जो सिलेबस ये सब चल रहा होगा स्कूल फॉर स्कैंडल, उन सबों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग स्कूल फॉर स्कैंडल करने वाले हैं सीसी नंबर पेपर 7 का जो यूनिट नंबर 3 है उनका, स्कूल फॉर स्कैंडल। तो भैया कोई भी चीज़ कहानी पढ़े, कुछ भी चीज़ें देखे, तो उसके पहले हम लोगों को वहाँ के कैरेक्टर्स को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिना कैरेक्टर्स को जाने हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स को देखते हैं। जोसेफ सरफेस, ठीक है, एक कैरेक्टर है जोसेफ सरफेस, जो कि एक चार जोसेफ जोसेफ इज अ चार्ल्स सरफेस ब्रदर, ठीक है। तो जोसेफ कौन है भैया, जोसेफ कौन है, चार्ल्स सरफेस के भाई हैं, ठीक है, चार्ल्स सरफेस के भाई है। जोसेफ कौन है, चार्ल्स सरफेस के भाई है। और ही वॉन्ट्स टू अ मैरी मैरिया, ठीक है, और ये किससे शादी करना चाहता है, मारिया के। जोसेफ कौन है, चार्ल्स सरफेस का भाई है, और वो जोसेफ जो है वो क्या चाहता है कि मेरी जो है शादी हो जाए, किससे हो जाए, मारिया से हो जाए। एंड ऑल्सो ही वॉज एन अफेयर विद सर पीटर्स वाइफ लेडी टीजर। देखो ये कितना ट्राइबल गेम चलेगा वो देखो, यहाँ पर अच्छे से देखो। जोसेफ, ठीक है, जो भाई है चार्ल्स सरफेस का, अब ये जो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, किससे हो जाए भैया शादी, मैरी से हो जाए, ठीक है, मैरी से मेरी शादी हो जाएगा। लेकिन ये हो गया है छिछड़ा टाइप का, ठीक है, शादी चाहता है कि मैरी से हो जाए, लेकिन अफेयर जो है, अफेयर जो है किससे करके रखा है, अफेयर जो है वो करके रखा है लेडी टीजल से, ठीक है। अब लेडी टीजल कौन है ये हम लोग आगे नेक्स्ट कैरेक्टर में देखेंगे। जोसेफ सरफेस के बारे में समझ में आ गया, जोसेफ सरफेस चार्ल्स सरफेस का भाई है, ब्रदर है, ठीक है। उसके बाद ये चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, किससे, मैरियस मैरी से हो जाए, और साथ में फिर ये अफेयर भी करके रखा है किससे, लेडी टीजल से, ठीक है। आगे अब चार्ल्स सरफेस का नाम आया अभी कि चार्ल्स सर जोसेफ जो है सर जोसेफ सरफेस जो है चार्ल्स सरफेस का भाई है। तो आगे देखो चार्ल्स सरफेस के बारे में, ही इज अ ब्रदर ऑफ जोसेफ, अब जस्ट उल्टा हो गया, जोसेफ सरफेस का यहाँ भाई हो गया। और नेफ्यू ऑफ सर ऑलिवर, नेफ्यू मतलब कि रिलेटिव्स जो होते हैं ना वो होते हैं किसके, तो सर ऑलिवर के। अब तुम्हारे पास ये कैरेक्टर्स आए कि भैया ये क्या होते हैं, मतलब कि ऑलिवर कौन है, तो ऑलिवर का आगे देखेंगे। लेकिन पहला कि चार्ल्स सरफेस जो है भैया, चार्ल्स सरफेस जो कि भाई है जोसेफ का, ठीक है, भाई जो है वो जोसेफ सरफेस का भाई है चार्ल्स सरफेस। और उसके बाद ये जो है भतीजा है, ठीक है, नेफ्यू है किसके, तो सर ऑलिवर के, ठीक है, सर ऑलिवर नेक्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, सर ऑलिवर का भतीजा है, ठीक है। और चार्ल्स इज मैडली इन द लव विद द मैरिया, ठीक है, और चार्ल्स जो है अभी ही देखे, चार्ल्स जो है वो किसके है, चार्ल्स जो है पूरी तरीके से पागल है किसके में, मैरिया मारी में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे आती है मैरी, ठीक है, सी इज द लवर ऑफ चार्ल्स सरफेस, अब ये जो है लवर है किसके, चार्ल्स सरफेस का, ठीक है। अब तीनों को एक बार रिलेट करके देखो, पहले ध्यान से रिलेट करके देखो, जोसेफ सरफेस भाई है चार्ल्स सरफेस का, ठीक है, जोसेफ सरफेस जो है भैया भाई है चार्ल्स सरफेस का, ये जो है चाहता है जोसेफ सरफेस, देखो भाई भाई वाली लड़की को ही चाह रहा है, ठीक है, भाई जो चाहता है जोसेफ सरफेस जो चाहता है कि मेरा शादी हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जोसेफ सरफेस अभी हम बताएं ना, जोसेफ सरफेस जो चाहता है कि मेरा शादी हो किसके साथ, कि मेरा शादी जो हो किसके साथ हो, मैरिये के साथ हो, ठीक है, वो चाहता है जोसेफ सरफेस की शादी किसके साथ हो, मैरी के साथ हो, लेकिन अफेयर किसका है, लेडी टीजल के साथ। फिर चार्ल्स सरफेस ब्रदर है भैया जोसेफ सरफेस का, नेफ्यू भतीजा है सर ऑलिवर का, लेकिन ये जो चार्ल्स सरफेस है वो पूरी तरीके से पागल है मैरी पर, ठीक है, दोनों भाई एक ही पर। और मैरी भी जो है वो लव करती है किससे, चार्ल्स सरफेस से, मैरी जो है लव करती है किससे, चार्ल्स सरफेस से, ये जोसेफ सरफेस से नहीं, चार्ल्स सरफेस से मैरी लव करती है, लवर है, ठीक है। अब सर ऑलिवर सरफेस जो कि चचा भतीजा, ठीक है, अभी देखे चार्ल्स सरफेस का, सर ऑलिवर सरफेस, सर ऑलिवर सरफेस, सर ऑलिवर इज अ चार्ल्स एंड द जोसेफ रिच अंकल, रिच मतलब कि अमीर, ठीक है, अमीर अंकल हैं, ठीक है, अमीर बड़े रुपया पैसे वाले अंकल है किसके, तो जोसेफ के, जोसेफ चार्ल्स, जोसेफ जोसेफ इतना, हाँ जोसेफ सरफेस का और चार्ल्स सरफेस का, जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस के ये दोनों अंकल हैं, मतलब कि ये दोनों के अंकल हैं कौन, तो सर ऑलिवर, ऑलिवर सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है,
ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ एज अ मिस्टर प्रीमियम। और ये जो है इस प्ले में क्या अपने आपको किस स्टोरी में दिखाएं, मिस्टर प्रीमियम के तौर पे, ठीक है, रुपया पैसा है ना इसलिए नमो देखो रखा प्रीमियम। एंड स्टेनली टू द ईस्ट हिज नेफ्यू, और बताया गया है कि स्टेनली जो है ईस्ट हिज नेफ्यू, और स्टेनली जो है इन अपने नेफ्यू अपने भतीजों लोग का टेस्ट करता है, ठीक है, टेस्ट मतलब परीक्षा लेता है। अब देखते हैं आगे, सर पीटर फ्रेंड ऑफ सर ओलिवर, सर पीटर कौन है, सर ओलिवर के फ्रेंड है, फ्रेंड सर पीटर कौन है भैया, सर पीटर कौन है, ओलिवर के फ्रेंड है, ठीक है, और हस्बैंड है किसके, लेडी टीजल के, और हस्बैंड है किसके, लेडी टीजल के, ठीक है। अभी देखो एक हम पूरे तरीके से हम कहानी को फिर से एक बार करेक्टर्स को रिवाइंड करेंगे, ठीक है। अब लेडी टीजल कौन है, लेडी टीजल सर पीटर्स की यंग वाइफ है, पूरी तरीके से खूबसूरत है, और उसका अफेयर किसके साथ होता है, जोसेफ सरफेस के साथ होता है, ठीक है। लेडी स्नीरवेल, ठीक है, यही होती है थोड़ी सी मेन, सी इज अ विडो हु वांट्स अ चाइल्ड सरफेस इन हर लाइफ, ठीक है, ये क्या होती है, विडो होती है, विडो मतलब बूझते हो, विडो मतलब कि जिसका पति मर चुका है, ठीक है, विधवा, ठीक है, और वो चाहती है कि चार्ल्स सरफेस उसके जिंदगी में आए, मतलब कि उससे लव वव करे, प्यार व्यार करे, शादी ब्याह करे। सी इज नॉन फॉर हर टेंडेंसी टू स्प्रेड रूमर, और ये जो स्नेरविल है वो अपने जानती है रूमर्स फैलाने के तौर पे, रूमर्स मतलब अपवाद फैलाने, अपवाद सिर्फ भ्रम फैलाने के वास्ते ये जानी जाती है, ठीक है। अब आगे स्नेक कैरेक्टर है जो कि लेडी स्नेरविल का सर्वेंट है, ठीक है, कोई अपवाद फैलाएगा तो अपने से थोड़ी फैलाएगा, उसके साथ फैलाने के लिए कोई तो रखेगा ना। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है रावली जो कि सर्वेंट है किसके, सर पीटर के, रावली जो है सर्वेंट है किसके, तो सर पीटर के नौकर हैं, ठीक है। अब देखो की फैक्ट, ध्यान से देखना, ये फैक्ट वाला थोड़ा सा वन वन एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। ओरिजिनली पब्लिश्ड ये मई 8, 1777 को पब्लिश किया गया है, ठीक है, कब किया गया, तो मई 8, 1777 को पब्लिश किया गया। इसका जो सेटिंग है पर कहां पर का है, लंदन का है, ठीक है, यूके। थीम जो है इसका र्यूमर फैलाना का है, क्रूटली फैमिली ऑनर्स और मनी को बर्बाद करने का है, ठीक है। ऑर्डर रिचर्ड ब्रेसली ब्रेसली सेरेडन, ठीक है। अब अभी हम बोले कि पोएम चालू करने से पहले हम कैरेक्टर को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स को देखने के लिए अभी हम लोग सबसे पहले एक कैरेक्टर हम लोग देखे जोसेफ सरफेस का, ठीक है, जोसेफ सरफेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा कैरेक्टर देखे चार्ल्स सरफेस का, ठीक है, दूसरा कैरेक्टर चार्ल्स सरफेस। तीसरा जो कैरेक्टर अभी हम लोग देखे वो देखे मैरी का, ठीक है, मारिया मैरी जो बोलो यार। उसके बाद चौथा जो कैरेक्टर देखे वो देखे सर ओलिवर का, सर ओलिवर सरफेस का, ठीक है, चौथा कैरेक्टर सर ओलिवर सरफेस का हम लोग अभी देखे। उसके बाद और क्या देखे, एक सर पीटर देखे। कैरेक्टर क्लियर रहेगा भैया तो आगे भी पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आएगा, कैरेक्टर ही क्लियर नहीं रहेगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और लेडी टीजल का, लेडी टीजल का, ठीक है, लेडी टीजल का। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर एक था लेडी स्नेरवेल, लेडी स्नेरवेल, ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर एक स्नेक, स्नेक, ठीक है, और एक और कैरेक्टर रावली जो कि सर्वेंट होता है किसका, पीटर का, ठीक है, रावली। अब पूरी तरीके से सारे कैरेक्टर्स को एक बार रिमाइंड करते हैं, ठीक है। देखो जोसेफ सरफेस, ठीक है, जोसेफ सरफेस भाई है किसका, ठीक है, एक मिनट पेन चेंज करने दो, जोसेफ सरफेस भाई है, ब्रदर है, और ये भी इसका ब्रदर है, ठीक है। जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहां पर एक छूट गया क्या, हाँ नहीं, ठीक है, जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, और ये दोनों जो हैं, ये जो है नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब कि भतीजा, ठीक है,
नेफ्यू मतलब भतीजा है, ठीक है, किसके, तो सर ओलिवर सरफेस के। यहां तक क्लियर है। और ये जो सर ओलिवर हैं वो पूरी तरीके से रिच हैं और इनको दिखाया गया है मिस्टर प्रीमियम के तौर पे इसमें, ठीक है, मिस्टर प्रीमियम के तौर पे। स्टेनली, ठीक है, जो इनके क्या करता है, इन दोनों का क्या करता है, अपने दोनों भतीजे का स्टेनली के जरिए टेस्ट करवाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, जोसेफ सरफेस जो है, जोसेफ सरफेस वो चाहता है, जोसेफ सरफेस चाहता है कि मेरा शादी हो जाएगा, ठीक है, वॉन्ट्स कि क्या हो जाए, मैरिज हो जाए, किसके साथ, मैरिया के साथ, ठीक है। लेकिन मैरी जो है वो लवर है, ठीक है, मैरी जो है वो लवर है किसके, चार्ल्स सरफेस का लवर, ठीक है, मैरी जो है वो लवर है किसका, चार्ल्स सरफेस का। जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के और ये दोनों भतीजे हैं सर ओलिवर पीटर के। जोसेफ सरफेस चाहता है कि मेरा शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, किसके साथ, मैरी के साथ। लेकिन मैरी जो है लवर है किसके, चार्ल्स सरफेस का, और चार्ल्स सरफेस इससे प्यार करता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद सर जो पीटर है, ठीक है, सर पीटर ये फ्रेंड है किसके, ओलिवर के, ठीक है, ये कौन है, फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है ओलिवर के। और साथ ही साथ सर पीटर जो है वो हस्बैंड है, ठीक है, सर पीटर जो है वो हस्बैंड है किसके, लेडी टीजल के हस्बैंड है। कहानी बड़ा मजा आएगा, ठीक है, सर पीटर के सर ओलिवर सरफेस जो है सर पीटर का दोस्त है, या सर पीटर कह लो ओलिवर का दोस्त है, ठीक है। और सर पीटर जो है वो हस्बैंड है किसका, लेडी टीजल का। सर पीटर जो है वो हस्बैंड है किसका, लेडी टीजल का। अब लेडी टीजल कौन है, लेडी टीजल भैया बहुत ही ज्यादा यंग है, खूबसूरत है, और इसका अफेयर होता है किसके साथ, जोसेफ सरफेस के साथ। और इसका अफेयर किसके साथ होता है, इसका, अरे यार, इसका अफेयर होता है जोसेफ सरफेस के साथ, जोसेफ सरफेस के साथ इसका अफेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी देखे ना जोसेफ सरफेस का भी अफेयर है, लेकिन जोसेफ सरफेस चाहता है कि शादी हो जाए मैरी से, भाई शादी कर रहा है, भाई लवर है मैरी का, मैरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगुलर गेम चल रहा है, ठीक है। लेडी टीजल्स यंग है और ये हस्बैंड है, मतलब ये वाइफ है किसकी, सर पीटर की, और सर पीटर दोस्त है सर ओलिवर का। उसके बाद जो है ये जो इसका अफेयर चल रहा है वो जोसेफ सरफेस के साथ चल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आता है वो होता है लेडी स्नेरवेल का, ठीक है। लेडी स्नेरवेल जो होती है एक क्या होती है, विडो होती है, विडो मतलब कि विधवा, ठीक है, विडो, ठीक है। और ये चाहती है किसको, चार्ल्स सरफेस को, और ये चाहती है किसको, चार्ल्स सरफेस को, जो करा ले लेते हैं, ठीक है, चार्ल्स सरफेस और लेडी स्नेरवेल, ठीक है। लेडी स्नेरवेल जो चाहती है कि चार्ल्स सरफेस क्या हो जाए, इसका हो जाए, वॉन्ट्स हिज, ठीक है, ये उसको चाहती है, लेडी स्नेरवेल चाहती है कि चार्ल्स सरफेस मेरा हो जाए, ठीक है। अब इसलिए क्या करती है, वो एक रूमर फैलवाती है, रूमर, ठीक है, रूमर मतलब अफवाह, ठीक है, अफवाह। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्नेक है, और ये स्नेक जो है वो क्या है, सर्वेंट है, नौकर है, ठीक है, किसका, तो लेडी स्नेरवेल का। और रॉली जो है वो सर्वेंट है किसका, सर पीटर का। रॉली कौन है, सर पीटर का सर्वेंट, सर पीटर का सर्वेंट। भैया उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि एक बार फिर से पूरा कैरेक्टर यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा मैटर करता है यार, कैरेक्टर नहीं समझेगा, नहीं बुझेगा, तो आगे कुछ नहीं बुझाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब चालू करते हैं स्कूल फॉर स्कैंडल। लेकिन भैया मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो वीडियो है दो पार्ट में आए, या तो अकेले आ जाए, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके देख लेना, अलग पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है, कट करके, ठीक। द स्कूल फॉर स्कैंडल यूनिट 9 पिछले वीडियो में या इसी के पीछे में हम लोग देख चुके हैं कि कैरेक्टर्स इसके सारे देख चुके हैं, तो अभी कैरेक्टर्स दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। स्कूल फॉर स्कैंडल जो है लिखा गया है किससे, रिचर्ड सेरिडन से, ठीक है, किसके, रिचर्ड सेरिडन के। सो फॉर द स्कूल ऑफ फॉर द स्कैंडल इज कंसर्न इट इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूल फॉर स्कैंडल जो है, स्कैंडल कहने का मतलब क्या होता है मालूम, कैंड होता है, मतलब कि कांड, सब यहाँ कांड ही कर रहा है एक से एक। अगर हम लोग कैरेक्टर देखें तो कैरेक्टर में देखें कि सब एक से एक ऐसे लफड़ा ही किया हुआ है ना, सेटिंग ही किया हुआ है, तो ये क्या करता है, कांड को दिखा रहा है, ठीक है। द स्कूल फॉर स्कैंडल जो है कांड को दिखा रहा है, जो कि ये दिखाता है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, कॉमेडी दिखा रहे हैं भैया। जो कि लिखा गया है, रिटन बाई किसके, रिचर्ड ब्रेसली सेरेडन के, रिचर्ड ब्रेसली सेरेडन के जरिए लिखा गया है।
इट वॉज द फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन, सबसे पहले इसे कहां पर परफॉर्म किया गया, कहां पर दिखाया गया भैया, तो लंदन में, कहां पर, तो एट ड्रगवे लैंड, ठीक है, कहां पर, ड्रगवे लैंड पे थिएटर, एक थिएटर था ड्रगवे लैंड पे थिएटर, ठीक है, कब, तो 1777 में, इसको पब्लिश कब किया गया, 1788 में, ठीक है, 1777 में दिखा गया था लेकिन पब्लिश कब किया गया था, 1880 में। इट इज अ फाइव एक्ट प्ले, क्या है भैया, फाइव एक्ट का प्ले है, ठीक है। वन थीम ऑफ दिस प्ले इज द गॉर सिम, ठीक है, एक थीम जो है इस प्लेस का, थीम, थीम मतलब पूछते हो ना, उद्देश्य मुद्दा क्या है, इस पे क्या बात रहा है, गॉसपिंग, गॉसपिंग मतलब खाली बातचीत जो होते रहता है ना, वही सब, किसके बीच में, तो वुमेन और उसके हिडन नेचर ऑफ पीपल्स ऑफ आइडेंटिटीज के, किसके साथ, वो अपने आप से ही उसके क्या, मानव के अंदर, एक पीपल के अंदर क्या तरीके के हिडन आइडेंटिटीज होती हैं, क्या क्या उनके अंदर होती हैं, उनसे गॉसिप करने का दिखाया गया है इस प्ले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिचर्ड ब्रेसली द ऑथर ऑफ दिस प्ले, ठीक है, रिचर्ड ब्रेसली कौन है भैया, स्कूल फॉर स्कैंडल के राइटर हैं, ठीक है, ऑथर है, एक आयरिश सटायरिस्ट है, व्यंगकार है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, प्ले राइट एंड द पोएम है, प्ले राइट भी है, आयरिश सटायरिस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी, और साथ में साथ एक कवि भी है, ठीक है। ही वॉज मेनली नॉन फॉर हिज प्ले, ठीक है, और ये ज्यादातर अपने प्ले के वजह से ही जाने जाते हैं, जैसे कि द राइवल, द ड्यूना एंड द ट्रिप टू द स्क्रो, ये सब इनके पोएट्स हैं, ठीक है, ये सब इनके पोएट्स और प्ले हैं जिनके वजह से जो है रिचर्ड ब्रेसली जाने जाते हैं। हिज प्ले आर द रेगुलरली परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड, इनका जो प्ले होता है पूरे दुनिया, इनका जो पोएम होता है वो पूरे दुनिया में फेमस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लंदन में ही है, पूरे दुनिया में इनका पोएम पूरी तरीके से क्या है, फेमस है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ दिस प्ले बिगिंस विद द लेडी स्नेरविल, अब जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो ये जो स्टोरी है वो चालू होगा हम लोगों का कहाँ से, तो लेडी स्नेरविल के साथ से, ठीक है, लेडी स्नेरविल जो कि एक वेल्दी विडो है, ठीक है, रुपया पैसा है उसके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसके पास रुपया पैसा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है वो, ठीक है, हेल्दी वेल्दी मतलब समझ रहे हो, रुपया पैसा वाली विधवा, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, ही वॉज हायर्ड स्नेक, ठीक है, और क्या करती है, स्नेक को हायर्ड करती है, मतलब कि स्नेक मतलब कि एक नौकर को रखती है अपने पास, टू टेक फॉल्स स्टोरी, ताकि वो फॉल्स स्टोरी, एक गलत गलत स्टोरी बना करके फैला सके इन द गॉसिप, ठीक है, अपने गॉसिप में, अपने जो गॉसिप मतलब कि बातचीत जो चल रहा है ना, अभी बताएं कि ये जो पूरी तरीके से बेस्ट है वो गॉसिप पर है, वुमेन आइडेंटिटीज और वुमेन पर, ठीक है, तो गप जो करते रहते हैं उस पर, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टोरी बनाने के लिए स्नेक को अपने पास रखी है नौकर। दे डिस्कस हर प्लॉट टू स्टॉप चार्ल्स सरफेस, ठीक है, और ये डिस्कस कर रहे होते हैं किसमें, चार्ल्स सरफेस को क्या रोकने के लिए, वुमेन सी लव्स फ्रॉम बिकमिंग एंगेज टू हायर्स मैरिड, ठीक है, और जो कि चार्ल्स सरफेस क्या है, मैरी से पूरी तरीके से एंगेज है, अभी हम लोग देख चुके कैरेक्टर में शादी करने के लिए, ठीक है। लेडी स्नेरविल इज अ कंस्पायरिंग विद द चार्ल्स ओल्डर ब्रदर जोसेफ, ठीक है, अब लेडी स्नेरविल जो है भैया वो अपने क्या करती है, लेडी स्नेरविल अपना उसकी का भाई जो है चार्ल्स सरफेस का भाई जो है वो जोसेफ है, और उसी के साथ क्या करती है, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचती है, ठीक है, अंडर रेपुटेशन फॉर द गुडनेस, बट इट इज द रियली ऑफ रियली अ सेल्फिश हाइपोक्रिट एंड हर लायर वॉन्ट्स टू मैरी फॉर हर मनी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इन लोग तो षड्यंत्र रच जाता है, कॉन्स्पायरिंग कर रहा होता है, लेकिन ये गुडनेस दिखा रही थी कि नहीं तुम्हारे अच्छाई के लिए हम कह रहे हैं, देखो तुम्हारे भाई साथ प्यार कर रही है, शादी करना चाहती है, लवर है वो तुम्हारी भाई की, तो तुम उसके साथ तो उसका रिश्ता उस्ता तोड़ दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, मतलब बात चढ़ा रही है, मतलब अच्छाई दिखा रही थी कि देखो तुम्हारे भाई के बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी क्या करता है, रियली सेल्फिश होता है, हाइपोक्रेट, और ये भी क्या होता है, ये शादी करने लग शादी के चाह रखता है किसके साथ, उसके पैसों के वजह से। एंड द नेक्स्ट सीन, आगे सीन क्या होता है, सर पीटर्स जो कि फ्रेंड होते हैं भैया किसके, ओलिवर को, ठीक है, हम लोग अभी कैरेक्टर में देख चुके हैं कि ओलिवर के क्या है, ये फ्रेंड है, ठीक है, और लेडी टीजल के क्या है, पति। तो सर नेक्स्ट सीन में, अगले सीन में क्या होता है, सर पीटर टीजल जो होती है लिव्ड विथ हिज कॉन्फिडेंट मिस्टर रॉली, और ये दोनों जो है सर पीटर और टीजल जो है वो अपने नौकर रॉली के साथ बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट 7 month ago he married a much younger woman, लेकिन 7 महीना पहले एक बड़े यंगर खूबसूरत लड़की से वो शादी किए रहते, ही हैड अ लेडी टीजल, ठीक है, सर पीटर का बात कर रहा है, लेडी टीजल के बारे में बात कर रहा है कि सर पीटर जो है 7 महीना पहले क्या है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की रहती है, उसका नाम क्या होता है, लेडी टीजल, फाइट ऑल द टाइम, और वो क्या करते रहती है, हमेशा सर पीटर से क्या करती रहती है, लड़ाई झगड़ा ही करती रहती है। ही ऑल्सो अपसेट बिकॉज ऑफ द मैरिज, और वो साथ में किसके साथ
किससे अपसेट रहती है, मैरी से, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा होता है ना किसके साथ, जोसेफ सरफेस के साथ। लेडी टीजल का अफेयर होता है जोसी सरफेस के साथ, लेकिन जोसी सरफेस चाहता है, जोसी सरफेस का जो है वो चाहता है कि मेरा शादी किसके साथ हो, मैरी के साथ हो। तो इस तरीके से वो परेशान होती है, और उस परेशानी का जो कारण होता है, परेशानी के कारण ही घर में लड़ाई करती रहती है। एज अ गार्जियन ऑफ द मैरी ही वॉन्ट्स दैट मैरी मैरिज टू द जोसेफ, ठीक है, एज अ गार्जियन के तौर पे, ठीक है, कहती है कि मैरी देखो तुम्हारे हम गार्जियन के तौर पे क्या कर रहे हैं, तुम शादी कर लो किससे, जोसेफ से कर लो, बट मैरी वॉन्ट्स टू डू मैरिज चार्ल्स, लेकिन जोसेफ से नहीं। वो कहती है लेडी टीजल कि भैया हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, उससे शादी, जोसेफ से शादी नहीं करेंगे, हम तो शादी किससे करेंगे, मैरी चाहती है कि हम शादी करें किससे, चार्ल्स से, उसी के भाई से। एट दैट टाइम सर पीटर्स जो है ओल्ड फ्रेंड सर ओलिवर, और उसी समय सर के जो सर पीटर्स के जो ओल्ड फ्रेंड होते, पुराने दोस्त जो होते हैं, कौन, सर ओलिवर सरफेस, जो आ जाते हैं कहाँ पर, इंग्लैंड में आते हैं बहुत दिनों के बाद, 16 ईयर, ठीक है, पिछले 16 साल से शायद लंदन में नहीं थे, कहाँ थे, ईस्ट इंडीज में थे, ठीक है, वहां पर रहते थे, तो वो वापस लौटते हैं उसी टाइम, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखो, द सेकेंड एक्ट बिगिंस विद द क्वारल्स बिटवीन द टीजल्स इन देयर होम, लेडी टीजल्स वांट्स टू अ लार्ज सम ऑफ मनी टू बाय अ लग्जरियस वुड, ठीक है। अब सेकेंड जो एक्ट होता है वो शुरुआत कैसे होता है, एक क्वारल, झगड़े के साथ होता है, जिसमें कि लेडी टीजल जो होती है वो क्या कर रही होती है, चाह रही होती है, मांगती रहती है पैसा अपने पति से, ज़्यादा पैसा, क्यों, क्योंकि उसको एकदम महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी होती हैं, बड़े बड़े एकदम रुपया पैसा वाला चीज़ खरीदना होता है, जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है, कीमती होता है। तो सर पीटर जो होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं देने से, उन्हें देना नहीं चाहते पैसा। हर लेडी टीजल्स गेट एंग्री एंड गोज टू द लेडी स्नेरविल, अब उसके जो लेडी टीजल जो है उसको पैसा नहीं मिलता है, तो इस पूरी तरीके से क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, वो कहाँ जाती है, लेडी स्नेरविल के पास जाती है। जोसेफ ट्राइज टू कन्विंस मैरी, अब जोसेफ जो है ट्राइज, कोशिश कर रहा है कि कन्विंस कर ले किसको, मैरिज को, ताकि शादी हो जाए, कंसिडर हिम एज अ हस्बैंड, और वो मान ले हमको अपने पति के रूप में, बट सी रिफ्यूज, लेकिन वो क्या कर देती है, सी रिफ्यूज, फेंक देती, बट नहीं करेंगे तुमसे शादी। लेडी टीजल, लेडी टीजल, ठीक है, लेडी टीजल, आगे देखते हैं क्या बोलता है, कहाँ थे यार, लेडी टीजल हु हैज बीन कंसिडरिंग जोसेफ एज हर लवर, और लेडी टीजल जो है क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है, अपने मान रही है कि हम जो है, मेरी जो लवर है या मेरा लवर जो है कौन है, वो जोसेफ सरफेस है, ठीक है। एंटर द रूम, सी वॉज अ वेरी यंगरी, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वहां से भी आई है अभी, जहां से पैसा नहीं मिला। जोसेफ वेन सी फाइंड हिम ऑन हिज नी, और जोसेफ को देखती है वो किस पे है, अपने घुटने पे है, किसके पर, फ्रंट, किसके फ्रंट में, मैरिया के फ्रंट में, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि मेरा शादी किसके साथ हो जाए, मैरी, लेकिन चार्ल्स सरफेस, चार्ल्स सरफेस और मैरी आपस में लवर होते हैं, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, जोसेफ चाहता है कि मैरी मेरी हो जाए, तो वो अपने घुटनों पर होकर के क्या कर रहा था, उसे प्रपोज कर रहा होता है, और तभी क्या जाती है, लेडी टीजल आ जाती है वहां पर। ही मेक्स एन एक्सक्यूजेस बिगिंस टू अर ट्राई टू सीड्यूस लेडी टीजल, अब देखो, अब लेडी टीजल जो है उसको देख लेती है घुटनों पर हुए हुए, अब वो जो है जोसेफ जो है वो क्या करता है, लेडी टीजल्स को एक्सक्यूजेस बनाने, बहाने बनाने लगता है, रुको तो सुनो तो बात सुनो, ऐसा था वैसा था, ऐसा वैसा बात होने लगता है, ठीक है, ताकि लेडी टीजल को रोक सके। व्हेन मैरी लीव्स फ्रॉम देयर, ठीक है, जब मैरी वहां से चली जाती है, तब उससे बताने का, क्यों, क्यों इसको मनाने का कोशिश कर रहा है, क्यों, क्योंकि जोसेफ सरफेस और लेडी टीजल का अफेयर है, लेकिन जोसेफ सरफेस चूतिया है, और वो चाहता है कि मैरी से मेरा शादी हो जाए, लेकिन मैरी चाहती है कि मेरा शादी किसके हो, साथ हो, चार्ल्स सरफेस के साथ हो, ठीक है, डबल गेम चल रहा है यहाँ पर। सर ओलिवर इज अ वेरी हैप्पी, सर ओलिवर जो है बहुत ही ज्यादा खुश होता है टू सी सर पीटर, ठीक है, सर ओलिवर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ये दोनों दोस्त होते हैं ना, तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। ही टेल्स ओलिवर अबाउट जोसेफ एंड चार्ल्स, अब जो है सर ओलिवर जो है बताते हैं किसको, ओलिवर जो है बताते हैं किसके, जोसेफ और चार्ल्स के बारे में, अपने दोनों भतीजों के बारे में। सर ओलिवर मेक अ प्लान, अब जो सर ओलिवर है वो प्लान बनाते हैं कि चलो एक प्लान बनाते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके अपने नेफ्यू, अपने नेफ्यू कैरेक्टर्स को, नेफ्यू मतलब भतीजा को, अब वो भतीजा कौन होता है, जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस, इन दोनों को टेस्ट करने का एक प्लान बनता है। ऑन द अदर हैंड सर पीटर एक्यूजेस, दूसरे तरफ जो सर पीटर है वो एक एक्यूजेस मतलब कि लेडी टीजल ऑफ हैविंग एन अफेयर विथ चार्ल्स, और ये भी जान जाता है कि लेडी टीजल जो है वो उसका अफेयर चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है किसके साथ, तो चार्ल्स के साथ चल रहा है, ठीक है, और ये अफवाह पूरी तरीके से फैल चुका होता है, दैट स्नेक इसको फैलाने में पूरी तरीके से मदद करता है, क्यों, क्योंकि लेडी जो टीजल है वो, सॉरी, लेडी स्नेरविल जो है वो अपने इसे स्नेक को हायर करके रखती है, क्योंकि इसको रुपया देती है, नौकर रहती है, ठीक है, तो इस ये रूमर्स को, अफवाह को फैलाने के लिए
फैलाने के लिए यहाँ ये फैला रहा होता है स्नेक। लेडी स्नेरविल हैव बीन स्प्रेडिंग, ठीक है, लेडी स्नेरविल जो होता है इस तरीके से पूरी तरीके से ये पूरी रूमर्स को अफवाह को फैला रहा होता है। सी डिनाइज दिस, और वो पूरी तरीके से डिनाइज करती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। एंड द लीव्स, ठीक है, सर ओलिवर प्रिटेंडिंग टू बी अ मिस्टर प्रीमियम, अब सर ओलिवर जो है अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं किसके जैसा, मिस्टर प्रीमियम के जैसा, और अराइव और आते हैं वेयर चार्ल्स इज अ ड्रिंकिंग, जहां पर चार्ल्स जो है क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, पी रहा है, ठीक है, और प्लेइंग कर रहा है कार्ड्स, ठीक है। अब देखो मिस्टर प्रीमियम बन के सर ओलिवर जो है वो आते हैं क्या करके, मिस्टर प्रीमियम बन करके आते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ड्रिंक कर रहा होता है, पी रहा होता है, और क्या खेल रहा होता है, कार्ड्स खेल रहा होता है, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और चार्ल्स अपीयर्स टू मिस्टर प्रीमियम फॉर मनी, और चार्ल्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं मिस्टर प्रीमियम मनी के जैसा, ठीक है। एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्दो ही वाज सोल्ड द ऑल प्रॉपर्टी ही एक्सेप्ट टू बी हायर ऑफ द फॉल्सली वेल्दी सर ओलिवर्स, ठीक है, कहता है कि मैंने सारे रुपये पैसे खत्म हो गया, मेरे पास सारा प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, ठीक है। चार्ल्स सजेस्ट दैट मिस्टर प्रीमियम कैन कलेक्ट द डेब्ट व्हेन सर ओलिवर डाइज, ठीक है, और मिस्टर प्रीमियम जो है चार्ल्स के पास जो आता है रुपया पैसा मांगने हुए, चार्ल्स देखो ये प्लान चल रहा है ना, प्लान चल रहा है, तो सर ओलिवर जो है और पीटर्स के प्लान के दोनों दोस्त मिलकर के प्लान कर रहे हैं कि हम अपने भतीजा चार्ल्स मतलब दोनों भतीजे को टेस्ट करें, तो मिस्टर मतलब चार्ल्स के पास मिस्टर प्रीमियम बन के आते हैं कौन, ओलिवर जो होता है वो मिस्टर प्रीमियम के पास आता है एक पैसा मांगने, उधार दिया होगा उसको, तो वो पैसा वापस मांगने के लिए आता है, लेकिन जो है वहाँ पर क्या होता है कि चार्ल्स जो है सजेस्ट करता है मिस्टर प्रीमियम को, देखो कि अभी बार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा चाचा बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा वाला है, ओलिवर जो सर ओलिवर उसके चाचा हैं बहुत ही रुपया पैसा वाला है, अगर वो मर जाता है तो उसके बाद हम तुमको पैसा दे देंगे, ठीक है, अब जब मरेगा तब पैसा मांगने आ जाना, ठीक है। मिस्टर प्रीमियम प्रेसेस चार्ल्स फॉर द अदर कोलेक्टरल एंड द चार्ल्स सजेस्ट दैट ही कैन सेल हिम द फैमिली फोर्ट्रेस, ठीक है, और मिस्टर प्रीमियम उसको प्रेस करने लगता है, नहीं हमको पैसा चाहिए ही चाहिए, अभी ही चाहिए, ऐसा करने लगते हैं, और वो कहता है कि सजेस्ट करता है कि ऐसा करो ना, तुम अपना फैमिली का सारे का सारा फोर्ट्रेस सारा संपत्ति अभी बेच दो। एज द एक्यूज एक्शन नियर्स इट्स एंड एंड सर ओलिवर आस्क हिम चार्ल्स विल सेल हिम एज अ स्पेसिफिक फोर्ट्रेस, ठीक है, उसको स्पेसिफिक एक हिस्सा बेचने ही होते हैं क्योंकि सारा उसका थोड़ी रहता है। चार्ल्स रिफ्यूजेस सेइंग दैट इट इज द पोर्ट्रेट ऑफ His generous benefactor Sir Oliver touched Sir Oliver in a worldly forgives Charles for begins to be extravagant, ठीक है, तो वो क्या करता है, बेचने को कहता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं हम जो है नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे भैया, क्योंकि ये देखो ये सिर्फ मेरा प्रॉपर्टी थोड़ी है जो हम तुमको बेच दे, तो इसलिए वो जो है बेचने से इनकार कर देता है सर ओलिवर, ठीक है, और कहता है कि ये हम सारे के सारे फिजूल खर्ची में ही खत्म कर देंगे। इसलिए अब देखो लेडी टीजल्स अराइव आती है, लेडी टीजल्स वहां पर क्या आती है, आती है लेडी टीजल्स फॉर अ डेट विथ अ जोसेफ के साथ डेट करने के लिए उसी के घर में। सर पीटर ऑल्सो अराइव्स, और वहां पर क्या आते हैं, सर पीटर भी साथ में आते हैं। लेडी टीजल्स आ रही है किसके, जोसेफ के घर में, और जोसेफ के घर में साथ ही में साथ उसी वक्त पीटर भी आ रहा है, और पीटर कौन है, तो भैया पीटर जो है वो हस्बैंड है किसके, लेडी टीजल का। अब देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और ये लवर हैं एक दूसरे के, ठीक है। लेडी टीजल्स हाइड्स बिहाइंड, अब लेडी टीजल हाइड्स बिहाइंड अ स्क्रीन इन अ जोसेफ रूम। अब जैसे ही वो पीटर आता है तो लेडी टीजल क्या करती है, छुप जाती है एक स्क्रीन के पीछे, जोसेफ के ही रूम में एक किसी पर्दे उर्दे के पीछे छुप जाती है, और सर पीटर जो है अपने सर्वेंट के साथ आते हैं वहां पर जोसेफ के पास। इन दैट ही इज वॉरिड हिज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर्स विथ चार्ल्स, और वो इस दुख तकलीफ के साथ आते हैं कि देखो मेरी बीवी जो है, सर पीटर इस दुख तकलीफ के साथ आते हैं कि जो लेडी टीजल जो है मेरी पत्नी, उसका अफेयर है तुम्हारे साथ चार्ल्स के साथ, चार्ल्स, ठीक है, तो भैया अब उसके पास इसी लेकर के इस दुख को लेकर के आते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है वो देखो, सर पीटर हाइड इन क्लोरेस्ट सर चार्ल्स एंटर एंड जोसेफ, सर चार्ल्स जो है एंटर करता है, ठीक है, सर चार्ल्स एंटर एंड जोसेफ आस्क हिम अबाउट लेडी टीजल, ठीक है, सर पीटर वहां पर जैसे ही एंटर करते हैं तो चार्ल्स जैसे ही एंटर करता है तो जोसेफ उससे पूछता है, ठीक है, कि आस्क हिम अबाउट द लेडी टीजल के बारे में पूछता है। चार्ल्स तो उसको पूरी तरीके से डिनाई कर देता, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है मेरे उसके साथ, तो एनी इन्वॉल्वमेंट विद लेडी टीजल्स एंड बिगिंस टू से दैट ही बिलीव जोसेफ एंड लेडी टीजल्स वर
द वंस लिविंग द अफेयर, ठीक है। और वो फिर विश्वास कर लेता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसे वैसे। तो जोसेफ स्टॉप चार्ल्स बाय टेलिंग हिम सर पीटर इज लिसनिंग, ठीक है। अब उस वक्त कह देता है कि देखो, जोसेफ को स्टॉप करता है, रुको तुम कुछ मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो, कहते क्योंकि जो जोसेफ आता है तो बता रहा होता है ना कि तुम देखो तुम्हारे और उसके बीच में अफेयर चल रहा है। और उसी वक्त पीटर भी वहां पर आए रहता है उस रूम में, उस रूम में लेडी टीजल भी है जो कि छिपी हुई है। तो वहां पर आते तो बोलते चुप अभी एक शब्द मुझे बोलो, क्योंकि चार्ल्स है ना टेलिंग हिम सर पीटर इज लिसनिंग, सर पीटर क्या कर रहे हैं सुन रहे हैं। सर पीटर कम्स आउट, अब उसी वक्त सर पीटर वापस आते हैं, टेल्स चार्ल्स दैट ही इज अ वेरी रिलीव, ठीक है। और उसी वक्त जो है वो चार्ल्स पीटर जो है, चार्ल्स के पीटर में वहीं पर सर पीटर जो है वो आपस मतलब कि बाहर आते हैं और क्या करते हैं कि बताते हैं कि देखो अब तो हम यहाँ पर यही वरी यही दुख तकलीफ के साथ आए थे कि लेडी टीजर और जोसेफ के साथ चल रहा है चक्कर, अब देखो तुम यहाँ चार्ल्स बोल दिए तो मैं थोड़ी से अब चिंता मुक्त हो गया। देन लेडी टीजर्स कम एंड टेल्स पीटर्स दैट सी वॉज इन अफेयर्स विद जोसेफ एंड नॉट चार्ल्स, ठीक है। तो वहां पर जो दुख तकलीफ शंका चल रहा था कि नहीं किसके साथ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, इसका चक्कर उसका चक्कर, तो फिर आकर के लास्ट में यह बताता है कि नहीं मेरा जो अफेयर चल रहा है मतलब लेडी टीजर जो वहां छुपी हुई थी वो भी बाहर आ जाती है। अब देखो उस रूम में चार्ल्स सरफेस भी है, जोसेफ सरफेस भी है, सर पीटर भी है और लेडी टीजल भी, अब सब एक दूसरे के सामने निकल करके आते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मेरा जो अफेयर चल रहा है वो जोसेफ के साथ है, ठीक है, जोसेफ सरफेस के साथ है ना ही चार्ल्स सरफेस के साथ। सून आफ्टर जोसेफ इज विजिटेड बाय सर ओलिवर हु प्रिटेंड टू बी अ पुअर रिलेटिव, ठीक है, एंड नेम्ड मिस्टर स्टेनली। अब वहां पर एक रिलेटिव आता है मिस्टर स्टेनली, जोसेफ टेल हिम दैट ही वॉज नो मनी, और जोसेफ जो कहता है पुअर आता है मतलब पैसा मांगने के लिए आता है, तो फिर मिस्टर स्टेनली कहता है कि देखो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। टू गिव द रूमर्स दैट हिज अंकल सेंड हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड आर फॉल्स, ठीक है, ये रूमर्स अपवाद है कि मेरे अंकल मेरे पास ढेर सारा पैसा भेजे हैं हमको, बहुत ही ज्यादा पैसा, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, ऐसा मत कहो। टेकिंग अ डीप ब्रेथ सर ओलिवर सेज दैट चार्ल्स विल बी हिज हायर, ठीक है। अब थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं सर ओलिवर और कहते हैं कि देखो बाबू क्या होता है कि ये सच बोलता है ना, क्योंकि ये सच बोल देता है कि देखो भैया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये अपवाद चल रहा है कि मेरे अंकल जो है मेरे पास पैसा भेजे हैं। तो सर ओलिवर कहते हैं कि देखो चार्ल्स विल बी हिज हायर, चार्ल्स ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सर पीटर डिसाइडेड टू रिकनसाइल विद द लेडी टीजल्स, ठीक है, एंड द ट्रूथ ऑफ द लेडीज निर्वल जोसेफ एंड द स्नेक कम्स आउट, और जो लेडी टीजल लेडीज निर्वेल और जोसेफ और साथ में स्नेक का जो रियलिटी होता है, ठीक है, वो सारे के सारे कम्स आउट आ जाता है इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। तो प्ले एंड्स विद एन एंगेजमेंट, अब प्ले जो है वो एंड्स होता है, समाप्त हो जाता है किसके साथ, तो एंगेजमेंट के साथ। वो एंगेजमेंट किसका होता है, मैरी और चार्ल्स का, ठीक है। तो एंगेजमेंट किसका होता है, मैरी और चार्ल्स का, ठीक है, क्योंकि मैरी भी तो इसकी लवर थी और इसकी भी लवर थी, लास्ट में रियलिटी सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, शादी इंगेजमेंट हो जाता है। हु विल बी हिज अंकल सोल हायर, जो कि वही उसका उत्तराधिकारी होता है क्योंकि ये सच बोलता है, ठीक है। भैया ये स्कूल फॉर स्कैंडल भी खत्म हो गया, कैरेक्टर्स भी खत्म हो गया, उम्मीद है भैया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बड़ा अच्छे से एकदम डिटेल के तरीके से, ऐसा वीडियो नहीं है यार, हम देख चुके हैं यूट्यूब पे सारे का, है ना, क्या करते हैं कि छोटा छोटा ऐसा मतलब शॉर्ट में बता देते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं बताते हैं। तो मैंने कैरेक्टर्स को भी पूरी तरीके से डीपली ये करके दिखाया, डीपली मतलब कि 2-3 बार कैरेक्टर्स को देखा, है ना, इस चर के चार्ट्स बना करके देखा और उसके बाद फिर से पूरा डिटेल में हम लोग स्कूल पर स्कैंडल किए हैं। उम्मीद है कि पूरे तरीके से दिमाग में चला गया होगा, और नहीं गया होगा भैया तो एक बार और देख लेना वीडियो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।